हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बड़ा भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको भी समझाता हूँ, आपको काफी मजा आएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जेड टू ब्यूटीन। ठीक है, सबसे पहला नंबर तो कंफ्यूजन यहीं पर डाल दिया। देखिए, ब्यूट टू इन जो होता है उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिस और ट्रांस होता है। ठीक है, तो इसने जो है ना सिस और ट्रांस ना करके जेड किया है। तो जेड आप जानते हो कि इसका एक फॉर्मूला होता है या ट्रिक होता है, मैं आपको बता देता हूं। ई और जेड याद रखिएगा। ठीक है, ई और जेड दो प्रकार के आइसोमर तो होते ही हैं, आप जानते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ओ का मतलब याद रखिएगा ऑपोजिट। ठीक है, ये एक ट्रिक है, मैंने बना रखा है, बच्चों को बताते हैं तो इससे बच्चे आसानी से याद रख लेते हैं। ई अपोजिट जेड, ई अपोजिट जेड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ई में अपोजिट होता है। ठीक है, ई में अपोजिट होता है, जेड को छोड़ दीजिए, ई अपोजिट जेड। ठीक है, तो ई में अपोजिट होता है और जेड में सेम होता है, तो मैंने जेड को छोड़कर बस ई ओ जेड कर रखा है। ठीक है, याद रख रखा है, तो ई अपोजिट होता है, इसका मतलब हो गया ई अपोजिट होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये CH3 है और ये CH3 है यहाँ पर भी। ठीक, लेकिन हमें तो जेड फॉर्म चाहिए ना। चलिए हम पहले बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, एक प्रकार से मैंने ट्रांस बना लिया और ये CH3 बना लिया और यहाँ पर ये बना लिया और यहाँ भी CH3 और ये भी CH3। अब हमें पहचानना है कि दोनों में से कौन है। तो आप जानते हो CIP रूल के हिसाब से ये सीनियर होगा और ये जूनियर होगा। ठीक है, और इस वाले में ये सीनियर होगा और ये जूनियर होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों सीनियर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है ना। तो यहाँ पर दोनों सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, ई अपोजिट, ई में अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ई में अपोजिट, सीनियर ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो वो ई हो गया। यहाँ पर देखिए सीनियर ग्रुप एक ही तरफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जेड हो गया। इसका मतलब जेड टू ब्यूटीन बोलने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो सिस फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम लोग सिस फॉर्म बना लेते हैं। ये देखिए सिस फॉर्म हमने बना लिया। ठीक, ये जेड और ये जेड। अब कहता है कि इसका रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए, तो इसका रिएक्शन होना चाहिए ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, किसके साथ होना चाहिए, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि ब्रोमीन वाटर में एक प्रकार से एंटी एडिशन होता है। ठीक है, तो सिस है और सिस में जब हम एंटी एडिशन करते हैं तो क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना बता देता है। देखिए सबसे पहला नंबर तो टॉप में CH3 है और नीचे में भी CH3 है। ठीक है, तो Br2 और H2O जब जुड़ता है ना, तो एक पोजीशन पर ब्रोमीन लगता है और दूसरे तरफ पर जो है OH लग जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला स्टेप में इस तरह से ब्रोमीन जुड़ जाता है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और बाद में H2O जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, इस वाले कार्बन पर अटैक करके और यहाँ से इसको खोल देता है। तो देखिए एक तरफ OH जुड़ गया ना और एक तरफ ब्रोमीन। ठीक है, एंटी एडिशन होता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर HBr लगा दीजिए और एक तरफ इधर H और इधर OH लगा दीजिए। ठीक है, ये बन गया और साथ ही साथ इसका मिरर इमेज बना दीजिए। तो मिरर इमेज में देखिए यहाँ पर Br, H, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर H और OH हो गया और उसके बाद जो है CH3 और उसके बाद जो है CH3 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, है ना, पेशेंस भी रखिएगा। जेड ब्यूट टू इन रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर द रिजल्टिंग द ब्रोमोहाइड्रिन। ब्रोमोहाइड्रिन का मतलब कि ब्रोमो भी मिलेगा और हाइड्रेट आयन भी मिलेगा, मतलब OH भी मिलेगा। ठीक है, इसको ब्रोमोहाइड्रिन बोलते हैं। अब कहता है ये जो कंपाउंड आपको मिला, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको अगले पेज में लिखता हूँ इस तरह से। यहाँ पर HBr है, यहाँ पर HOH है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। अब कहता है कि इसको मिथॉक्साइड से, मिथॉक्साइड का मतलब आप जानते हैं, इस तरह से कुछ है।
और ये मिथेनॉल, ये हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर मिथॉक्साइड जो है ना, मिथॉक्साइड ले लिया गया है, एक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में देखिए वही लिया हुआ है, उसी का एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जिसका लिया हुआ है, सॉल्वेंट भी उसी का लिया हुआ है, तो ऐसा करने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए अक्सर आप ये चीज देखते होंगे। खैर, तो कहता है मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल अंडर गोज द इंट्रा मोलिकुलर SN2 रिएक्शन। इंट्रा मोलिकुलर मतलब बाहर से रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, बाहर से रिएक्शन नहीं होता है, तो बाहर से रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होने वाला है, तो देखिए सबसे पहला नंबर, चूंकि ये एक मिथॉक्साइड आयन है, ठीक है, तो ये मिथॉक्साइड आयन क्या करेगा ना, सबसे पहला नंबर यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन अगर सबसे फास्ट होता है तो ये क्या करेगा, यहां से इस चीज को हटाएगा, तो हटाएगा तो देखिए मैं लिखता हूं ओ माइनस, फिर उसके बाद यहां पर एच, फिर एच बी आर हो गया, और फिर उसके बाद सी एच थ्री हो गया, और यहां भी सी एच थ्री हो गया। क्वेश्चन में बोलता है देखिए कि जब हम ऐसा करते हैं तो इंट्रा मोलिकुलर SN2 रिएक्शन होता है। इंट्रा मोलिकुलर SN2 का मतलब कि जो फाइनल रिएक्शन होता है ना, उस फाइनल रिएक्शन में मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अंदर वाला ही है, मतलब कंपाउंड के अंदर ही रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर देखिए रिएक्शन कैसे होने वाला है मैं आपको बताऊं। देखिए ओ माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो ओ माइनस है तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो हो ही गया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसा रिएक्शन करवाता है, SN2 रिएक्शन करवाता है, तो ये SN2 करने के लिए तैयार भी है, ठीक है, लेकिन SN2 करने के लिए तो फिर एक लिविंग ग्रुप की भी जरूरत होती है, तो लिविंग ग्रुप के रूप में देखिए ब्रोमीन भी तैयार है, तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पर बैक अटैक करेगा और ये ब्रोमीन जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, तो जैसे ही बच्चों यहाँ से ब्रोमीन लीव करेगा तो यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट बनने वाला है, मैं लिखता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस तरह से, और ऊपर में आ गया CH3, और यहाँ पर भी आ गया CH3, और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन यहाँ भी है और एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गया, अभी अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझते जाइए। देखिए सबसे पहला नंबर एसिड बेस रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन, इसलिए इसने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन को उठाया। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन होने वाला है, तो इंट्रा मोलिकुलर, और नहीं भी बोलता ना तो भी इंट्रा मोलिकुलर ही होता है, क्यों, हमेशा ध्यान रखिए कि इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन जो होता है वो इंटर मोलिकुलर रिएक्शन से फास्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओ माइनस इस पर अटैक किया, लिविंग ग्रुप बाहर हुआ और इस तरह से ये कंपाउंड मिल गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए मजा आने वाला, टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन ऑफ द स्टीरियो केमिकल सिक्वेंस, मतलब ये जो आपको प्रोडक्ट मिला, अब कहता है कि उसका स्टीरियो केमिकल देखिए, स्टीरियो केमिकल कहने का मतलब है कि अब उसमें सेस ट्रांस ये सब देखिए आप, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व एंड चूज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशन, अब कहता है कि बताइए अब इसमें से क्या आंसर होने वाला है, ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर जो है मतलब मैं आपको बताता हूं एक बार सॉल्व करके, अगर अब आपको इसका करेक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला नंबर जो है ना इसका एक प्रकार से सोहर्स बना लीजिए, ठीक है, सोहर्स बनाने में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए नीचे आप क्या कीजिए OH रख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है CH3 यहां पर रख लीजिए, ठीक, और उसके बाद जो है H यहां पर रख लीजिए, ये वाला है, फिर दूसरे में देखिए यहां पर जो है आप क्या कीजिए CH3 को मतलब आप क्या कीजिए ब्रोमीन को इस बार ऊपर रख, ऐसे रख लेते हैं ब्रोमीन एच, ठीक है, और फिर यहां पर रख दिया मैं CH3, ठीक है। अच्छा अब जैसे ही यहां से ये O माइनस बन गया था, तो ये O माइनस क्या करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा और अटैक करके यहां से ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो आप गौर से इस चीज को देखिए, अगर इसको एज ए प्लेन प्लेन के रूप में इसको अगर आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो ये एक प्लेनर मोलिकुल बन गया होगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इस प्लेन के ऊपर में CH3 है और प्लेन के नीचे में CH3 है, ठीक है, स्टेरियो केमिकल के बारे में बात करें अगर,
तो एक सी एच थ्री प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन जो सी एच थ्री जो है प्लेन के नीचे है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उस फाइनल प्रोडक्ट में एक सी एच थ्री ऊपर होने वाला है और एक सी एच थ्री नीचे होने वाला है। तो बस अब आप पहचान लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर डैश पर और यहाँ पर वेज पर किया हुआ है, तो इसका ये सही है। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर सी एच थ्री ऊपर नीचे है ना, तो ये भी सही है। इसमें देखिए दोनों सी एच थ्री को ऊपर कर दिया तो ये गलत हो गया है ना। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके और भी लॉजिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, आर एस कन्फ्यूडेशन लगाकर भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें से जो सबसे आसान तरीका मुझे लगा, ठीक है, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।